हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बेहतरीन सा लेक्चर, फंक्शनल ग्रुप का पार्ट टू। उससे पहले आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक बार फिर से एक बेहतरीन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप का कैसे करते हैं वो सीख रहे हैं। लेक्चर नंबर 8 है ये, और इससे पहले 7 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पर, जो कि आप लोगों ने देखे भी होंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पहले सारे फंक्शनल ग्रुप का ओवरव्यू लिया था, और इसके बाद हम लोगों ने 3 फंक्शनल ग्रुप को सीखा भी था। एक हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा हमने सल्फोनिक एसिड, और तीसरा एसिड एंड हाइड्राइड को पढ़ा था, और क्वेश्चंस भी ढेर सारे किए थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं उसके आगे, यानी ईस्टर से लगा करके और एमीन तक। इससे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें, और बेल आइकन में भी ऑल के बटन को प्रेस करें। ठीक है, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन जो इस चैनल पर अपलोड हो रहे हैं, वीडियोस या कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों को भी ये जरूर बताएं। ठीक है, और हमारे सभी लेक्चर्स को डेली अटेंड करें, जिससे आपके नंबर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंक्रीज हो सके। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 8। इससे पहले हम अपने चैनल पर 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, जाइए तुरंत उसे देखिए जाकर के। उसमें सारे 7 के 7 वीडियोस लाइन से लगे हैं, देख लो। जो भी मिस किया है उसको पूरा वीडियो जरूर देखो। ठीक है, क्योंकि सारी बेसिक से लगा करके और हायर लेवल की चीजें आपको बताई गई हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है ईस्टर। जो भी बच्चे नए हैं उनको मैं यहाँ पर बता दूं कि हम यहाँ पर सारी चीजें IUPAC से रिलेटेड कर रहे हैं। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है, हमने अनसैचुरेटेड की नेमिंग देखी, सैचुरेटेड की देखी, उसके अलावा हमने साइक्लिक साइक्लो कंपाउंड्स का कैसे नेम करते हैं, बाई साइक्लो स्पायरो का कैसे नेम करते हैं, और उसके बाद हमने स्पायरो की नेमिंग देखने के बाद हम फंक्शनल ग्रुप में देख रहे हैं कि कैसे इसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, तो टोटल 7 लेक्चर अब तक अपलोड हो चुके हैं, 8वां लेक्चर हम ये कर रहे हैं। ठीक है, आज हमें ईस्टर से स्टार्ट करना है। तो ईस्टर का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ और आर। ठीक है, ये आर, अगर ये कार्बन काउंट हो रहा है आपकी मेन चेन में तो लिखा जाता है एल्काइल। क्या लिखा जाता है? एल्काइल ओ8। अगर ये कार्बन मेन चेन के साथ काउंट हो रहा है तो लिखा जाएगा एल्काइल एल्के8। ठीक है, एल्काइल क्या होता है? ये जो एल्काइल जो यहां पर लिखा है वो ये आर है। इस आर में जो कुछ भी होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा, चाहे वो इथाइल मिथाइल इस कार्बन की जगह कुछ भी हो वो सबसे पहले लिखा जाएगा। फिर वर्ड रूट जो भी जितने भी कार्बन की होगा वो लिखा जाएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखा जाएगा, और इसके बाद आपका ये जो O8 है वो लिखा जाएगा, अगर आपका ये कार्बन काउंट हो रहा होगा मेन चेन में तो। अगर नहीं काउंट हो रहा होगा तो बेटा क्या लिखा जाता है? एल्काइल कार्बोक्सेट, कार्बोक्सिलेट। क्या? एल्काइल कार्बोक्सिलेट। ठीक है, और अगर इन केस ये एज अ प्रीफिक्स यूज होता है तो लिखा जाता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। ये जो प्रीफिक्स वाले हैं ना, ये कल के लेक्चर में आपको बहुत काम आएंगे, क्योंकि कल हम आपको पॉलीफंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चंस कराएंगे ना, मिसलेनियस क्वेश्चंस जिसे कहते हैं, वो क्वेश्चंस कल हम लोग करेंगे, तो वहां पर आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी ये प्रीफिक्स वाली। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग सफिक्स में ज्यादा डिटेल में देखते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन, पहला
पहला क्वेश्चन हमने बताया आपको क्या लिखा जाता है, एल्काइल। अच्छा यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या ये वाला जो कार्बन है सी डबल बॉन्ड ओ ओ और ये आर, आर की जगह क्या आ गया मिथाइल। तो यहाँ पर ये जो नंबरिंग है ना इसमें ये कार्बन इंक्लूड हो रहा है बेटा, तो यहाँ पर ये क्या होगा कार्बन नंबर तीन कार्बन हो गए, तो इसलिए यहाँ पर ओ एट वाला लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलेट नहीं लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे मिथाइल, क्या लिखा जाएगा मिथाइल, लिख दिया मिथाइल। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद तीन कार्बन है तो क्या लिखेंगे बेटा प्रोपेन, क्या लिखेंगे प्रोपेन। और कितने नंबर पर ओ एट आएगा, पहली पोजीशन पर ही है ओ एट, ठीक है पहली पोजीशन पर है इसलिए क्या लिखेंगे ओ एट। और ओ एट आया है दो वॉवेल एक साथ नहीं हो सकते इसलिए ई कट जाएगा, ई ए ई आई ओ यू और वाई ये सब कभी एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है ओ आ गया इधर इसलिए ई कैंसिल हो गया। सब क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये आप यहाँ से अगर मान लो नहीं दिख रहा है तो अब दिख रहा होगा, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहां पर इसका क्या नाम लिखा जाएगा, चलिए बताइए ओके। देखो ये आपका हो गया कार्बन नंबर वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, चार कार्बन की मेन चेन है। और जो एल्काइल लिखा जाएगा इसमें कितने कार्बन है टोटल, इसमें कार्बन है दो, तो इसलिए क्या लिखा जाएगा बेटा सबसे पहले इथाइल, इथाइल। चार कार्बन के लिए क्या लिखते हैं ब्यूट, ब्यूट एन और वन ओइक एसिड है, सॉरी वन ओ एट ओइक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चल रहा है, ईस्टर चल रहा है, ठीक है ओके ओके। दो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या करना है देखो, ये यहां पर हो गया मिथाइल, तो सबसे पहले तो बेटा मिथाइल लिख देते हैं, ये क्या लिख गया मिथाइल। फिर यहां पर ये कार्बन नंबर वन, ये टू और ये थ्री और ये फोर, ठीक है तो चार कार्बन, यहां पर भी एक मिथाइल है तो क्या लिखा जाएगा मिथाइल और उसके बाद टू मिथाइल। ये एल्काइल वाला मिथाइल ये अलग रहेगा, मिथाइल और टू मिथाइल। फिर क्या लिखा जाएगा, चार कार्बन है इसलिए क्या लिखते हैं बेटा ब्यूट, क्या लिखते हैं ब्यूट एन, ब्यूट एन और वन ओ एट, तो ब्यूटेनो एट भी लिख सकते हैं वन ओ एट की जगह, क्लियर कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए कोई प्रॉब्लम समस्या कमेंट बॉक्स खुला है, फटाफट से बताते रहो, ठीक है एकदम आसान से सुंदर सुंदर से क्वेश्चन करते रहिए। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन आया है, पेन रख दो नीचे और चेहरा ऊपर मेरी तरफ, निगाहें नजरें मेरी तरफ करो और देखो यहां पर बेटा जो R है उसमें क्या यूज किया गया है, साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लो हेक्साइल। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, साइक्लो हेक्साइल, इज दैट क्लियर, साइक्लो हेक्साइल। एल्काइल खत्म हो गया उसका, अब क्या करें, अब इधर आओ, वन टू थ्री फोर, चार कार्बन है तो चार कार्बन के लिए बेटा क्या लिखते हैं ब्यूट, क्या लिखा जाता है चार कार्बन के लिए ब्यूट, लिख दिया। एन लिखेंगे क्या, बिल्कुल लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है सारे, और पहली पोजीशन पर ओ एट है तो क्या लिखेंगे ओ एट, और यहाँ से क्या करेंगे ई को कैंसिल कर देंगे, इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा ये तो पता है कि ये इथाइल हो गया, ये तो पहले लिख दिया जाएगा इथाइल। अब इधर क्या करें, इधर हो गया वन टू, चाहे इधर जाओ या इधर जाओ ये टू पर इथाइल आएगा ही आएगा, तो होगा इथाइल, फिर डैश लगाओ, फिर लिखो टू इथाइल, फिर बताओ, फिर होगा चार कार्बन, तो चार कार्बन के लिए क्या आएगा ब्यूट, ब्यूट एन, ब्यूट एन, और फिर कौन सी पोजीशन पर है, पहली पोजीशन पर तो आ जाएगा ओ एट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बार फिर से अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, एक बार फिर से निगाहें मेरी तरफ, आप अपनी नजरों को कृपया स्क्रीन पर करिए मेरी तरफ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जब आप ऑफलाइन में होते हैं ना
मेरे सामने क्वेश्चंस करते हैं तो ये क्वेश्चन आप अक्सर गलत करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं ना, आप पुराने रूल्स भूल जाते हैं। जो मैंने बाईसाइक्लो और स्पाइरो में कंडीशंस बताई थी ना, वो आप भूल जाएंगे। तो इसलिए आप नंबरिंग कहाँ से करते हैं, इसमें आप नंबरिंग यहाँ से शुरू कर देते हो, जो कि गलत कर देते हो। रूल वही रहेगा, नंबरिंग कहाँ से होगा, ब्रिज कार्बन से। किधर की तरफ जाएंगे, पहले लॉन्गेस्ट, फिर मिडिल, फिर शॉर्टेस्ट। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है कि दोनों रूट जो हैं वो सेम कार्बन की हैं और एक तरफ आपका फंक्शनल ग्रुप आ जा रहा है, तो हम नंबरिंग फिर उस तरफ से कर देते हैं जिधर फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो। ठीक है, तो सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगी। देखो ये है गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, चलिए भाई बताइए। सबसे पहले क्या लिखते हैं, मिथाइल। यहाँ पर मिथाइल है तो मिथाइल लिख दिया। ठीक है भाई, लिख दिया मिथाइल। फिर क्या लिखें, फिर लिखा जाएगा बाईसाइक्लो। ओके, बाईसाइक्लो लिख दिया। फिर सर ब्रैकेट लगाओ, 4 है लॉन्ग रूट में, शॉर्ट रूट में भी 4 है, मिडिल रूट में भी 4 है, और शॉर्ट में कितने हैं बेटा, 0। ठीक है, तो अब 10 कार्बन है टोटल, तो 10 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, डेक। सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखेंगे, एन। और पहली पोजीशन पर क्या है, सॉरी तीसरी पोजीशन पर है। अच्छा, क्या इस बार ओएट लिखा जाएगा, नहीं इस बार ओएट नहीं लिखेंगे, इस बार क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट, क्योंकि यहां पर जो कार्बन है ना बेटा वो काउंट नहीं हो रहा है, कार्बोक्सिलेट। कोई समस्या तो नहीं है बेटा, बताओ। ठीक है, दिस इज कार्बोक्सिलेट, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए, इट इज 1, 2, 3, 3 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। क्लियर, बहुत सिंपल सा नाम। नेक्स्ट, आप देखो फिर से अटेंशन गाइस, अटेंशन, इधर 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 देखिए, अटेंशन। चलिए आ गया फिर से कुछ गलत कराने वाला। देखो अब यहाँ पर बार बार क्योंकि गलती करते हो ना, इसलिए 3-4 क्वेश्चन डाल दिए इसके, दिमाग खुल जाएगा यहीं से। ठीक है, आराम से दिमाग खुल जाएगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और यहां पर ये क्या है, 1, 2, 3, 3 कार्बन है, तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रोपाइल, तो लिख दिया प्रोपाइल। ये पहले खत्म कर दिया, अब क्या करें, अब बाईसाइक्लो लिख दो, तो लिख दिया बाईसाइक्लो सर, ब्रैकेट लगा दो, 4 लिख दिया लॉन्ग रूट में, मिडिल रूट में 4, और शॉर्ट रूट में 0। 10 कार्बन है इसलिए लिख दिया बेटा डेक। ओके, डेक सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए लिख दिया एन, और तीसरी पोजीशन पर है कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। ठीक है, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड इसको सही कर देते हैं अभी, जस्ट अ मिनट। देखिए कार्बोक्सिलेट, ठीक है, दिस इज कार्बोक्सिलेट, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ईस्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इसमें देखो नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग तो सर ब्रिज कार्बन से ही करेंगे। 1, आप बताओ इधर जा रहे हैं तो आपको 4 कार्बन मिलेंगे हेक्सेन की तरफ, और अगर आप इधर जाएंगे तो आपको इधर मिलेंगे टोटल 3 कार्बन, तो लॉन्गेस्ट रूट को ही सिलेक्ट करना है। बहुत मन करेगा इधर की तरफ चले जाएं, इधर की तरफ चले जाएं, लेकिन जाना नहीं है। तो ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और ये 1 और 2, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इथाइल, तो लिख दिया इथाइल। फिर क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो। ओके, फिर क्या लिखेंगे सर, ब्रैकेट लगाइए, 4.3.0 लिखेंगे। लिख दिया क्या, अरे लिख दिया क्या, चलो 9 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे बेटा, नोनेन लगाएंगे क्या, क्या एर्थ पोजीशन पर
कार्बोक्सिलेट लगाएंगे क्या? कार्बोक्सिलेट। इज दैट क्लियर? कोई डाउट, परेशानी, समस्या हो तो बताइए, समाधान करें, ठीक है? अगर कोई डाउट नहीं है तो चलिए फिर हम लोग किस पर चलते हैं, एसिड हैलाइड पर। जल्दी से एसिड हैलाइड की तरफ मूव करते हैं। चलिए बताइए, आगे बढ़े। एसिड हैलाइड, अब आते हैं किस पर, एसिड हैलाइड पर। देखो भाई, एसिड हैलाइड जो है ना, वो थोड़े से कुछ इस तरीके से हैं, ऐसे। ये यहां पर एक्स है, ठीक है? कुछ याद आ गया क्या? अरे वो वाला एक्स नहीं है यार, ये कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना? हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप पता नहीं कौन सा एक्स वैक्स ढूंढ रहे। चलो अब देखो, यहां पर बेटा अगर ये कार्बन काउंट किया जाएगा एज अ मेन चेन, तो लिखा जाता है ऑयल हैलाइड एज अ सफिक्स, ठीक है? अगर कार्बन काउंट नहीं किया जा रहा है और एज अ सफिक्स ट्रीट हो रहा है, तो लिखा जाता है बेटा कार्बोनिल हैलाइड, ठीक है? ऑयल हैलाइड कब? जब ये इस कार्बन में यूज होगा, ठीक है? जब इसका कार्बन मेन चेन में काउंट किया जाएगा तो क्या लिखा जाता है, ऑयल हैलाइड। अगर कार्बन काउंट नहीं हो रहा है मेन चेन में, तो क्या लिखा जाएगा, कार्बोनिल हैलाइड। और अगर ये एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहा है, तो लिखा जाता है ऑयल हैलो फॉर्माइल, ओके? चलो पहला क्वेश्चन करिए, पहला क्वेश्चन। चलो भाई ये हो गया वन, दिस इज टू, थ्री, फोर। चार कार्बन आपके सामने हैं, चार कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, ओके? सारे सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन। क्या पहली पोजीशन पर है क्या, क्या कार्बन गिना गया है? यस। क्या लिखा जाएगा, ऑयल हैलाइड लिख दिया क्या, ई कैंसिल कर दिया क्या? नहीं करा, अरे छोटी छोटी गलतियां। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। इतने क्वेश्चन कि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताओ, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ठीक है? अब कोई लोग ये क्लोरीन देखकर यहां से नंबरिंग ना कर देना, ये क्लोरीन है। अब एक बहुत पुराना क्वेश्चन है जो बहुत फनी टाइप का हुआ करता था एक टाइम पर, कि क्लोरीन में सर ये सी तो कार्बन है, एल क्या है, ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन अगर दिमाग में आ रहा है ना, तब तो फिर मामला बहुत ज्यादा सीरियस है, ठीक है ना? आना नहीं चाहिए ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में, ठीक है ना? क्योंकि सर या तो ये तो कार्बन है, यहाँ से तो नंबरिंग करेंगे ना। हाँ, एक कार्बन नहीं है, सी एल एक साथ है, क्लोरीन है ये, ठीक है? चलो अब यहाँ से नंबरिंग कर दी, पांच कार्बन मिल गए आपको भाई साहब, पांच कार्बन मिल गए, तो पांच कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो लिखा जाता है एन, और 1.5 डाई ऑयल हैलाइड। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है क्या? होगी भी कैसे, एकदम शानदार तरीके से आपको चीजें बताई जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये हो गया आपका कार्बन नंबर वन, ये हो गया कार्बन नंबर टू, ये हो गया कार्बन नंबर थ्री, बाकी फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, ठीक है? नीचे से करोगे तब भी थ्री ही आएगा, वन एंड थ्री। तो क्या नाम लिखा जाएगा, चलो बताओ। सबसे पहले क्या लिखें, सबसे पहले आप लिखिए साइक्लो, फिर लिखिए हेक्सेन, ओके? साइक्लो लिख दिया, हेक्सेन लिख दिया, अब क्या लिखें, अब लिखिए 1.3, फिर दो आए हैं ये, तो क्या लिखेंगे, फिर कार्बोनिल और क्लोरीन है ना, तो क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, ओके? कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम आसान से क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा ध्यान मांगता है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान, कुछ और ज्यादा नहीं है, इतना कर लो ना क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर बता लग जाए कि क्या होगा आंसर, ठीक है? इतना एकदम कॉन्सेप्ट में चले जाओ, तो ये हो जाएगा वन, और क्या इधर जाएं क्या, नहीं, तो ये हो जाएगा टू, थ्री, फोर, फाइव,
6, 7, 8, 9, 10 क्या लिखें? बाईसाइक्लो। सबसे पहले लिखो सर बाईसाइक्लो, फिर क्या लिखें? 10 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? डेक। और सिंगल बॉन्ड है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पर क्या करेंगे? बड़ा सा ब्रैकेट 4.4.0, ठीक है। फिर क्या करेंगे? फिर क्या लिखें? 10 कार्बन है इसलिए क्या लिखेंगे? डेक। और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, डेक एन, ठीक है, डेक एन। अब क्या करें? अब पहली पोजीशन और पांचवी पोजीशन पर क्या आया है? कार्बोनिल क्लोराइड, तो लिखेंगे 1.5 डाई कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। बताओ समझ में आ गया? देखो समझ में आया? ओके चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दो क्वेश्चन आपके सामने। चलिए अब यहां पर बताइए नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग तो सर यहां से ही करेंगे, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 हो गए। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो लिखिए साइक्लो, फिर लिखिए सर हेक्स, फिर लिखिए सर थ्री इन, ओके, और 1 कार्बोनिल क्लोराइड, ओके कार्बोनिल क्लोराइड। अच्छा बार बार क्लोराइड आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोराइड ही आएगा, सी ए नहीं लिखा होगा, बी आर भी होंगे। अगले क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपको दिखेगा, देखो इतना नोट कर लिया ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में देखो भाई नंबरिंग। आप पहली चीज नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से और इधर, दोनों जगह बराबर नंबर आ रहा है, तो किस तरफ से करते हैं? फिर इधर डबल बॉन्ड पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह हो गए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 5 ब्रोमो, एक सेकेंड, 5 ब्रोमो, फिर क्या लिखते हैं? 5 ब्रोमो के बाद फिर रूट वर्ड 6 कार्बन, इसलिए क्या लिखेंगे? हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है एन, सारे सिंगल बॉन्ड है एन, और फिर कौन सी पोजीशन? 1.5, 6, 1.6 डाई ऑयल हैलाइड, डाई ऑयल हैलाइड, ओह सॉरी ब्रोमाइड, हैलाइड तो इसका क्या है, कैसे लिखते हैं वो चीज बताइए, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर? डाई ऑयल ब्रोमाइड, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या? इतनी आसानी से क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं क्या? इतनी आसानी से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट इज आता है आपका एमाइड। नेक्स्ट क्या आता है बेटा? एमाइड। एमाइड में भी वही चीज है, ये है आपका एमाइड, दिस इज एमाइड। अगर एमाइड का कार्बन मेन रिंग के साथ जाएगा, मेन रिंग के साथ मतलब नंबरिंग में जाएगा, तो एमाइड लिखा जाता है सफिक्स में, ठीक है, तो एमाइड लिखा जाता है सफिक्स में। कौन सा सफिक्स? सेकेंडरी सफिक्स में। अगर सफिक्स में ही जा रहा है लेकिन कार्बन जो है वो काउंटिंग में नहीं आ रहा है तो कार्बोक्सामाइड लिखा जाएगा, ठीक है, और अगर ये एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहा है तो कार्बोमोइल यूज किया जाएगा, कार्बोमोइल यूज किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखिए इतना आसान है, दोबारा दोबारा से चीज समझा रहे हैं क्योंकि कल भी ये चीज पहले भी बता चुके हैं। चलो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है सर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 चार कार्बन आपके स्क्रीन पर दिख गए, तो चार कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट, फिर सर एन, फिर पहली पोजीशन पर क्या आया है? एमाइड, और दो वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते इसलिए ई कैंसिल हो जाएगा। बताओ
चीज समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी बताइए। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में दो बार आपको एमाइड ग्रुप दिया गया है। जब दो बार एमाइड ग्रुप दिया जाता है तो कैसे नाम करते हैं बताइए। चलिए नंबरिंग करेंगे सबसे पहले, एक 1, 2, 3, ठीक है, तीन हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रोपेन, प्रोपेन लिखा जाएगा क्या, प्रोपेन। फिर क्या लिखेंगे, 1, 3 डाई एमाइड। एमाइड ही क्यों लिखा, क्योंकि कार्बन काउंट हुआ था, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट में बताइए यहाँ पर क्या होगा। नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्या, यहाँ ही से करेंगे सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और वन पर क्या आएगा आप बताओ, एमाइड आएगा या कार्बोक्सामाइड आएगा, कार्बोक्सामाइड आएगा, ठीक है, कार्बोक्स एमाइड। Is that clear? कोई प्रॉब्लम परेशानी समस्या हो तो बताइए भाई, कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक समझने में? नहीं है अगर तो भाई अगले क्वेश्चन पर पढ़ें क्या। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा दो बार आया, अच्छा इतना प्रैक्टिस कर लो ना यार कि देखते ही आंसर बता दो, क्या आंसर होगा इसका देखते ही, बता दो बिना कुछ किए आप लोग बता दोगे। साइक्लोहेक्सेन लिख दें क्या यार, बताओ लिख दें साइक्लोहेक्सेन। फिर 1, 4 डाई लिख दें क्या, कार्बोक्सामेट लिख दें क्या, कार्बोक्सामाइड लिख दें क्या, बताओ। है ऐसी प्रैक्टिस, है अगर ऐसी प्रैक्टिस ना तो फिर कोई भी सिलेक्शन तो दुबई नहीं हो सकता, ठीक है। अब जिनको थोड़ा सा कम समझ आया है तो उनके लिए बता दें, ये पहली पोजीशन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये चार पोजीशन हो गई। तो भाई पहली और सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन क्योंकि ये क्लोज रिंग है, तो साइक्लोहेक्सेन। फिर उसके बाद क्या लिखा, 1,4 डाई कार्बोक्सामेट। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर सेकेंडरी एमाइड के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहां से नंबरिंग कहां से करेंगे, 1, 2, 3, 4। बहुत मन कर रहा है ऊपर चले जाएं, लेकिन ध्यान रहे ये गलती कर रहे हैं आप, यहां से नहीं जाना है। अब आपको क्या करना है, इधर आना है 4 और 5 क्योंकि डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो सबसे पहले लिखा जाएगा बेटा 3-propyl लिखा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ है नहीं तो छोड़ दो। रूट वर्ड पर आएंगे, 5 कार्बन है, पेंट लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4-ene, फिर लिखेंगे आपका 1-amide, 1-amide, और ये जो E है ना ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए सेकेंडरी एमाइड क्या होता है इसके बारे में आपको देख लो। देखो जो आपने एमाइड अभी देखा था ना, CONH2 है ना, तो एक हाइड्रोजन हटाया और उस हाइड्रोजन की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट लगा दिए, जैसे कार्बन में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ऐसे तरीके से कुछ भी लगा दिया। अब जैसे यहां पर इन्होंने एक हाइड्रोजन हटाया और यहां पर ये इथाइल लगा दिया, बाकी ऐसे ही रहा। तो अब यहां पर क्या किया जाएगा, इसको सबसे पहले लिखेंगे N-ethyl, N-ethyl, ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो नंबरिंग 1, 2, 3, तीन हो गया। तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप, प्रोप लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ये 3 कार्बन के बाद प्रॉप, और फिर आता है दूसरी पोजीशन पर आपका डबल बॉन्ड, ये लिख दिया। फिर आप क्या करेंगे, पहली पोजीशन पर आपका क्या आ रहा है, एमाइड आ रहा है, तो एमाइड लिख दिया, ठीक है, और यहां से ई को कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये लास्ट में एमाइड लिखा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम यहां लिख दे रहे हैं, ये है एमाइड, ठीक है।
इसमें एक क्वेश्चन ही काफी है। आप देखते हैं टर्शरी, टर्शरी में बेटा क्या होता है, जो वैसे तो ये एमाइड क्या है ना, NH3 था पहले, तो यहां से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हटा ये वाले ग्रुप आ गए, एक हाइड्रोजन हटा ये ऊपर चला गया सेकेंडरी हो गया, फिर तीसरा हाइड्रोजन भी हट गया, उसकी जगह कुछ और आ गए। तो अब आपको ऐसे ही लिखना है एन एन और एन करके, ठीक है। अब देखो इधर पहले देखें तो ये आया इथाइल और ऊपर है मिथाइल, एक सेकेंड थोड़ा सा पेन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ये है इथाइल और ये जो ऊपर है ये है मिथाइल। तो अब क्या लिखेंगे इसको, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, चलिए बताइए। सबसे पहले लिखेंगे एन इथाइल, एन इथाइल लिखा, एन इथाइल, फिर क्या लिखेंगे, एन मिथाइल लिखेंगे, एन मिथाइल, ओके। लेकिन आप आइए जरा नंबरिंग पर, 1, 2, 3, 4, तीसरी पोजीशन पर एक मिथाइल और मिल रहा है, तो क्या करेंगे, अगर आपको एक मिथाइल और मिल जाए तब आप क्या करेंगे, तब आप जरा ध्यान से देखिए, n कॉमा पोजीशन और डाई, फिर लिखेंगे आप मिथाइल, ठीक है। तो ये हो जाएगा n कॉमा 3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और चार कार्बन है इसलिए क्या लिखेंगे बेटा, ब्यूट, फिर एन और पहली पोजीशन पर एमाइड, ठीक है। थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, ये मैंने डैश लगाया है और ई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्या होगा बताइए भाई। देख यहां पर ये क्या है, ये है आपका ब्यूटाइल और ये है प्रोपाइल, और इधर अगर आएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 पांच कार्बन की मेन चेन। तो सबसे पहले क्या आएगा, एन ब्यूटाइल बोलो आएगा, फिर क्या आएगा, एन प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, एन प्रोपाइल आ गया, एन ब्यूटाइल एन प्रोपाइल, फिर आपका क्या आएगा, एन ब्यूटाइल एन प्रोपाइल के बाद एन ब्यूटाइल एन प्रोपाइल, ठीक है। इसके बाद आपके पास पांच कार्बन की चेन है तो हो जाएगा पेंट, पेंट एन और वन वन एमाइड हो गया, वन एमाइड, तो यहां पर ये ई कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ओके। चलिए भाई अब आ गए हम लोग एक और नए फंक्शनल ग्रुप की तरफ जिसका नाम है सी से साइनाइड। क्या नाम है भाई, सी से साइनाइड। चलो अगर साइनाइड में का जो सी है ये अगर रिंग में काउंट हो रहा है, सॉरी चेन में काउंट हो रहा है तो लिखा जाएगा नाइट्राइल, और अगर ये काउंट नहीं हो रहा है तो लिखा जाएगा कार्बोनाइट्राइल, और अगर ये एज अ प्रीफिक्स यूज हो गया बेटा तो क्या लिखा जाएगा, साइन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा ये कैसे होता है, तो कार्बन के और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। अब देखो चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पहले दो क्वेश्चन फिलहाल ये रहे, तो ये देखो कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर वन, दिस टू, दिस थ्री, दिस इज फोर, एंड तीसरी पोजीशन पर पहले आप दूसरी पोजीशन पर पहले मिल गया क्या, मिथाइल, तो टू मिथाइल, ओके सर टू मिथाइल लिख दिया। अब क्या लिखा जाएगा, अब लिखा जाएगा चार कार्बन है तो लिखा जाएगा ब्यूट, ये भी लिख दिया एन, ये भी लिख दिया, फिर क्या लिखा जाएगा, कार्बन तो क्या लिखा जाएगा, वन नाइट्राइल, वन नाइट्राइल, ठीक है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि ई हटेगा या ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, तो आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा अब देखिए, अभी ऊपर वाला करवा रहे हैं, देखो ये हो जाएगा कार्बन नंबर वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर, तो इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3, 3 डाई मिथाइल, 3, 3 डाई मिथाइल, और इसके बाद क्या आएगा, 3, 3 डाई मिथाइल ब्यूट,
एन वन नाइट्राइड या ब्यूटेन नाइट्राइड कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, वन लिखना कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, साइक्लो, पहली पोजीशन पर ही आ रहा है ये, क्या लिखा जाएगा, साइक्लो हेक्सेन वन, साइक्लो हेक्सेन वन नाइट्राइड, साइक्लो हेक्सेन वन नाइट्राइड। नेक्स्ट नेक्स्ट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो साइक्लो सी वाई सी एल ओ, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। और अब इसमें जो कार्बन है, एक सेकेंड, गलत हुआ ऊपर वाला, कार्बोनाइट्राइल होगा यहाँ पर बेटा, कार्बोनाइट्राइल होगा, ठीक है, इसको सही कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन वन कॉमा टू डाई कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लो एक बार फिर से, एक बार पुनः देख लीजिए, कोई समस्या तो नहीं है। नहीं है, अच्छा ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लगभग हर एक, पता है, ग्रुप में हम आपसे हर एक फंक्शन ग्रुप में लगभग 5 से 7 क्वेश्चन करा ही रहे हैं, हर टाइप की चीजें आपको कवर करवा दे रहे हैं। चलो एक बार फिर से साइक्लो आ गया, फिर से आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9 और ये 10 हो गए। तो अब क्या लिखा जाएगा बताओ भाई, कैसे लिखें, तो वो होगा 3.3 डाइमेथाइल, 3.3 डाइमेथाइल, फिर क्या करें सर, बाई साइक्लो लगा दो, उसके बाद सर क्या करो, आप बड़ा सा ब्रैकेट लगा के 4.4.0 लिख दो। ये कैसे लिख दिया, कुछ नए बच्चे होंगे उनको नहीं समझ आ रहा होगा ये कैसे लिखते हैं, ये कैसे काउंटिंग हो रही है। तो आप जाकर के बाई साइक्लो और स्पायरो वाला लेक्चर ध्यान से देखिए जा करके, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, फटाफट से जाओ और देखो, ठीक है। प्लेलिस्ट आपकी इसकी बनी है IUPAC नॉमेनक्लेचर की, जिसमें आपके सारे वीडियो सीक्वेंस से लगे, ठीक है, तो उसी में जाइए और लेक्चर नंबर 6 होगा उसको जा करके देखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.4.0 और इसके बाद आपका क्या आएगा, कितने कार्बन दिए हैं टोटल, 10 कार्बन है, तो क्या आएगा, डेक, डेक होगा, बोलो डेक एन, एन है, और पहली पोजीशन पर आपकी होगा कार्बो नाइट्राइड, इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये रिपीटेड टाइप क्वेश्चन है, यहां पर देखो ये एक CN है, ये एक CN है, ये एक CN है, अब इनमें से कोई एक एक छूटेगा, अगर आप इसको कार्बन को चाहते हैं कि आप मेन चेन में शामिल करें तो कोई एक छूट जाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे फिर, तीनों को छोड़ देंगे। तो देखो टोटल नंबर कितने बने, अगर इधर से करेंगे तो पास में पड़ेगा 1 2 3 4, तो आपका हो गया 4 कार्बन है, इसलिए लिखेंगे ब्यूट एन 1.2.4 ट्राई कार्बोनाइट्राइड, कार्बोनाइट्राइड, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलो एनसी आ गया, आइसोसाइनाइड, बहुत आराम से चल रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आइसोसाइनाइड को बेटा अगर हम यूज करते हैं एज अ प्रीफिक्स तो लिखा जाता है आइसोसायनो, आइसोसायनो, और अगर हम इसको या आइसो या कार्बाइल एमिनो, ठीक है, और अगर हम इसको सफिक्स में लिखते हैं तो बेटा लिखा जाता है कार्बाइल एमीन, ठीक है, क्या लिखा जाता है, कार्बाइल एमीन। देखो बहुत सिंपल से नेम है, अब आप देख करके ही बता दोगे, कुछ करना नहीं है आपको, देखो साइक्लोहेक्सेन कार्बाइल एमीन पहला नाम, साइक्लोहेक्सेन कार्बाइल
एमीन या वन कार्बाइल एमीन, ठीक है, वन कार्बाइल एमीन, कार्बाइल एमीन, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर बेटा क्या लिखा जाएगा बताइए, कितने कार्बन है, वन टू थ्री, तीन कार्बन है, तो लिखा जाएगा आपका प्रोपेन, प्रोपेन वन कार्बाइल एमीन, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये जो प्रीफिक्स वाले हैं ना, ये कल आपको बहुत मजेदार लगेंगे, ठीक है, आज थोड़े से कम लग रहे होंगे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये मैं बता ही दे रहा हूँ, लिख दूँ क्या, चलो लिख देते हैं। इसका नाम क्या होगा बेटा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन प्रोपेन वन कॉमा टू डाई कार्बो कार्बाइल एमीन, ठीक है। अगला वाला क्या होगा, देखो अगले वाले में क्या लिखा जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, बहुत सिंपल है इसलिए कोई समझाने की ज्यादा जरूरत है नहीं मुझे, वन कॉमा फोर है ना, डाई कार्बाइल एमीन, ठीक है ना, कार्बाइल एमीन, इज दैट क्लियर, ये भी क्लियर, चलो ये भी चीज आपके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई, एकदम मक्खन मलाई तरीके से कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, एकदम मक्खन मलाई, सर्दियों में खाइए ना, मक्खन खाते हो ना, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा, इसी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट है, बहुत सॉफ्ट तरीके से आपको समझा रहे हैं, इतना मक्खन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। देखो अगर कार्बन काउंट हो रहा है मेन चेन के साथ, तो लिखा जाता है सफिक्स में, क्या लिखा जाता है सफिक्स में, अल, ए एल एल, और अगर नहीं काउंट हो रहा है कार्बन एज अ मेन चेन के साथ, तो लिखा जाता है कार्बाइल एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है ना। और अगर आपको लिखना है, क्या आपको एज अ प्रीफिक्स लिखना है, तो आप ऑक्सो या फॉर्मल लिख सकते हैं, ठीक है। चलो पहला नाम करिए, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, चार नंबर आपको मिल गए। चलिए भाई बताइए नाम क्या होगा इसका, ब्यूटेन, क्या नाम होगा, ब्यूट एन, और पहली पोजीशन पर है अल और ए यहां है, इसलिए ये ई कट जाएगा। अगला नाम, वन टू थ्री फोर, चार आ गए कार्बन, तो नाम होगा पहले तो ब्यूट, फिर होगा एन, फिर होगा वन कॉमा फोर डाई अल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये है अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइए, यहां पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, नाम क्या होगा, टू कॉमा टू डाई मेथाइल, टू कॉमा टू डाई मेथाइल, सबसे पहले यही लिखा जाएगा, टू कॉमा टू डाई मेथाइल, फिर क्या होगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन, और फिर वन अल, तो यहां से ई कैंसिल, क्लियर, इज इट क्लियर, नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर क्या, वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ठीक है, सारे क्वेश्चंस बेटा एक ही जैसे हैं, बस फंक्शनल ग्रुप चेंज, थोड़ा सा नाम बदला, काम खत्म। देखो चलो बताओ नाम इसका क्या होगा, इसका नाम होगा बेटा साइक्लोहेक्सेन, लिख दें क्या, ओके लिख दिया साइक्लोहेक्सेन, फिर कार्बेल्डिहाइड लिखा जाएगा क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, तो हो जाएगा क्या, वन कॉमा टू डाई कार्बेल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है भाई, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद कीटोन देख रहा है आपकी तरफ कि भैया मेरा भी नाम करो जल्दी से, चलिए इसका बताइए नाम। देखो ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, ठीक है ना, चार हो गया, तो नंबरिंग तो हो गई है, नाम कैसे लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा थ्री मिथाइल, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर सेकेंडरी सफिक्स, फिर सेकेंड
प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लिखा, मिथाइल, कौन सा मिथाइल, थ्री मिथाइल। फिर क्या लिखेंगे बेटा, ब्यूट, चार कार्बन है इसलिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। फिर सेकेंड पोजिशन पर है क्या, इन, सेकेंड पोजिशन पर है इन, और पहली पोजिशन पर है अल, इसलिए यहां से ये जो ई है ना ये कट जाएगा, हो गया। नेक्स्ट है कीटोन। चलो कीटोन में कैसे नाम करते हैं वो देखो। कीटोन में बेटा ये जो कार्बन है ना काउंट ही होगा, इसमें कोई दूसरा नहीं है, आपको ओन ही सिर्फ लगाना है, ठीक है। और अगर आपको ये एज अ प्रीफिक्स मिले तो आप कीटो या ऑक्सो लगा सकते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स कैसे मिलते हैं, प्रीफिक्स का मतलब है इससे बड़ा कोई ग्रुप आपके जो चेन है ना उसमें मिले, ठीक है ना, आपकी जो पैरेंट चेन है इसमें इससे बड़ा कोई ग्रुप या पूरा पूरा जो कंपाउंड है उसमें जो कीटोन है इससे बड़ा कोई ग्रुप हो तो ये एज अ प्रीफिक्स हो जाएगा और वो सफिक्स में चला जाएगा, ठीक है, ये चीज। ओके अब इसमें नाम कैसे करना है ये बताइए। चलिए देखो वो पता चल गया, क्या लिखना है, ओन लिखना है। तो अब आपको पहला क्वेश्चन आपकी तरफ बढ़ रहा है, चलिए बताइए कैसे क्या करें। यहां से आप नंबरिंग करेंगे, वन ये हो गया, टू ये हो गया, थ्री ये हो गया, फोर ये हो गया, फाइव ये हो गया, सिक्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेक्स, फिर क्या लिखेंगे, एन, हेक्स, फिर क्या लिखेंगे, एन, फिर क्या लिखेंगे, तीसरी पोजीशन पर है ओन इसलिए क्या लिखेंगे, ओ, और ये ई कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया वन, ये हो गया बेटा टू, ये हो गया थ्री, ये गलत नंबरिंग हो जाएगी। क्यों गलत नंबरिंग हो जाएगी, आपको इसलिए सब कुछ करके दिखा रहे हैं कि अगर आप लोग इधर से कर रहे हो तो गलत क्यों है ये, इस वजह से आप लोग देख लो, ठीक है। तो आप इधर से करेंगे तो वन टू थ्री, इधर से सब्स्टिट्यूट को कम नंबर मिलेगा तो फोर और फाइव, तो इसका नाम हो जाएगा क्या बेटा, टू मिथाइल, क्या नाम होगा, टू मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है, पांच, इसलिए पेंट और एन, पेंट एन और थ्री ओन, ठीक है, इसलिए यहां पर क्या होगा, ई कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट में बताइए साइक्लोहेक्सेन, चलिए बताइए साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन और वन ओन, ठीक है, और ई कैंसिल, कैसे, वन नंबर यहां से, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, नेक्स्ट नंबरिंग यहां से वन टू थ्री फोर, चार हो गए, क्या लिखेंगे, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है, देखिए साइक्लो ब्यूटेन और वन कॉमा थ्री डाईओन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो हो गया पेंट एन वन कॉमा सॉरी टू कॉमा ये टू कॉमा फोर डाई ओन। नेक्स्ट नेक्स्ट एल्कोहल, एल्कोहल देखो इसमें कैसे करते हैं, ये अगर एज अ प्रीफिक्स आएगा तो बेटा लिखा जाता है हाइड्रोक्सी, और अगर एज अ सफिक्स आता है तो लिखा जाता है ऑल, ए ओ एल ऑल, ठीक है। चलिए चलिए भाई क्लियर हो गया, चलो पहला नाम फटाफट से करिए, वन टू थ्री फोर, ये वो क्वेश्चन है ना जो आपने शायद आप कर चुके होंगे, ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप बोर्ड में हो, बहुत एकदम हलवा हलवा टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चार हो गए, तो चार के लिए क्या लिखते हैं बेटा, ब्यूट एन और ई कैंसिल और वन पोजिशन पर ऑल, तो इसलिए ई कैंसिल। चलिए यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या होगा, वन टू थ्री फोर, चार कार्बन, ब्यूट एन वन कॉमा टू डाई ऑल, ठीक है भाई। नेक्स्ट वन कॉमा वन ही है शायद, ठीक है वन कॉमा वन, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, वन टू थ्री फोर, चार कार्बन मिल गए, कौन सी पोजीशन पर आपको मिला, मिथाइल, सेकंड पोजीशन पर, तो हो गया टू मिथाइल, टू मिथाइल ब्यूट एन
टू ऑल ई कैंसिल, ब्यूट एन टू ऑल ये कैंसिल, ठीक है। चलो अगला नाम इसका क्या होगा, वन टू और बाकी टोटल छह कार्बन हो जाएंगे, तो नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन वन कॉमा टू डाई ऑल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो बताओ अब यहां पर क्या करेंगे, नंबरिंग किधर से, नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगी सर, वन टू थ्री, क्यों इधर गए फोर फाइव सिक्स, क्योंकि इधर इथाइल है और इधर मिथाइल है, ई पहले आता है तो लिखा जाएगा थ्री इथाइल, फिर क्या लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा फाइव मिथाइल, थ्री इथाइल फाइव मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन और वन ऑल ई कैंसिल, ठीक है। तो एल्कोहल तो हो गया भाई, अब क्या बचा, थायो एल्कोहल, माना थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल भी बेटा SH इसकी पहचान है, मरकैप्टो लिखा जाता है एज अ प्रीफिक्स, ठीक है, SH इसकी पहचान है, मरकैप्टो लिखा जाता है एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या लिखा जाता है थायोल, ठीक है। अब इसमें भी देखो ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना, देख करके सॉल्व करने वाले हैं, तो नंबरिंग कहां से होगी, वन टू थ्री ये हो जाएगा, बताओ यार ऐसे करेंगे क्या नंबरिंग, नहीं नंबरिंग यहां से होगी, ठीक है। आपको सारा चीजें दिमाग बता रहे हैं, समझा रहे हैं आपको, ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट वन मिनट, ओके जस्ट वन मिनट, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, हाँ अब देखिए, चलिए यहाँ पर भी एक कार्बन था क्या, ओके अब देखिए ये हो गया चार कार्बन है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, मान चलो पांच कार्बन मान लेते हैं फाइव, ठीक है। तो अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर पांच कार्बन है कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले पेंट, फिर एन, फिर थायोल, वन थाय सॉरी टू थायोल, टू थायोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये वन ये टू ये थ्री फोर फाइव सिक्स, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, छः, तो नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन, हेक्सेन और टू थायोल। नेक्स्ट नेक्स्ट में बताइए, साइक्लो हेक्सेन वन थायोल, इसका नाम होगा साइक्लो हेक्सेन वन थायोल, साइक्लोहेक्सेन वन थायोल एमीन। नेक्स्ट क्या है बेटा, एमीन, ठीक है। चलिए अब एमीन को समझ लो कि एमीन कैसे लिखा जाता है, ठीक है। देखो एमीन की पहचान है NH2, और अगर ये एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहा है तो लिखा जाता है एमीनो, और अगर ये एज अ सफिक्स यूज हो रहा है तो एमीन, सिंपल सा बात है। देखो कैसे लिखना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनो, वन टू थ्री फोर, तो नाम हो जाएगा क्या, ब्यूट, ब्यूट एन, ब्यूट एन वन एमीन, ठीक है, ब्यूटेन वन एमीन ई कैंसिल। अगला बताओ, वन टू थ्री, प्रोपेन, प्रोप एन वन एमीन हो गया ई कैंसिल। अगला साइक्लो, अगला बताइए नाम, ये नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन वन एमीन, बताओ बोलो यार कोई दिक्कत,
कुछ है ऐसा समस्या लग रही है, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, होने नहीं देंगे हम, ठीक है। चलो भाई बताओ अगला। अब देखो यहां पर क्या है, ये आपका आ गया सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन का मतलब एक हाइड्रोजन और हटके कुछ और आ गया, ठीक है। तो आप क्या करो, एक तरफ वाले में लिखेंगे एन मिथाइल, एन मिथाइल, और दूसरी तरफ वाले कार्बन के साथ आप एमीन करके जोड़ दो, मिथाइल मिथेना मीन मिथ एन एमीन, ऐसे लिखते हैं। अगले वाले में देख लो, अगले वाले में देखो, अब यहां पर देखो ये हो जाएगा आपका एन मिथाइल, क्या हो गया एन मिथाइल। फिर आप इधर वाले को कैसे लिखेंगे, इधर वाले में टोटल कार्बन है दो, तो इसलिए लिखा जाएगा इथ एन अमीन, इथेना मीन। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगले वाले में देखिए कैसे लिखते हैं, इधर भी दो, इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, टर्शरी कार्बन, टर्शरी एल्काइल अमीन आ गया, टर्शरी अमीन आ गया भाई साहब, टर्शरी अमीन। तो टर्शरी अमीन में बेटा कैसे नाम करते हैं, तो एन कॉमा एन, एन कॉमा एन डाई इथाइल, दो लोगों को बनाएंगे एज अ प्रीफिक्स। फिर क्या लिखेंगे, इथेन एमीन, इथेन एमीन, इसकी स्पेलिंग है ए, यहां पर आ जाएगा ऊपर और, ठीक है, इथेनामाइन, टू एन कॉमा एन डाई इथाइल इथेनामाइन, ठीक है ना। ये ई जो है इसको एक बार दोबारा से मैं लिख दे रहा हूं, देखो ये स्पेलिंग, देखो एक सेकेंड, स्पेलिंग क्या होगी इसकी, इथेनामाइन, इथ एन और फिर एमीन, ठीक है भैया, ओके। ये आपके फंक्शनल ग्रुप तक की कहानी आज हमने यहां तक खत्म कर दी, ठीक है, ये आपकी फंक्शनल ग्रुप तक की कहानी थी। तो फंक्शनल ग्रुप तक खत्म हो गए हैं, अब आपके दो लेक्चर और बचे हैं, लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10, जो कि आने वाले एक आध दो दिनों में वो भी हो जाएंगे, ठीक है। आपको पता आप चल गया होगा कि वीडियोज की कैसे कैसे आ रहे हैं, आपको एक हफ्ते में 3 वीडियोस मिल रहे हैं, ठीक है, और धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, बट अभी तक आपको फिलहाल यही सीक्वेंस मिलेगा, 1 अल्टरनेट 1, एक दिन फिर एक दिन छोड़ के फिर एक, इस तरीके से आपको लेक्चर्स मिलेंगे इस चैनल पर रेगुलर, ठीक है। और अब आपको पता है आपको क्या करना है, आपको इसको लाइक करना है, फटाफट लाइक करो सबसे पहले, तो चलिए लाइक कर दिया, लाइक करने के बाद एक कमेंट करो अच्छा सा कोई, कि कैसा आपको ये चैनल के बारे में आपको क्या लग रहा है, ठीक है, वो सब कुछ जो भी आपको अच्छा लगे वो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करो खुद भी और भी लोगों को सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करो खुद भी, और जो लोगों से सब्सक्राइब करवाते हो तो उनको भी बताइए कि सब बेल आइकन का बटन को प्रेस करना है, जिससे कि आपको वीडियोस रेगुलर मिल सके, ठीक है। और क्या काम करना है, और इसको अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। तो ये चीज आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर ली, अब बेटा हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम सबसे पहले ईथर पढ़ेंगे। आपके दिमाग में एक चीज रह गई होगी कि सर आपने अभी तक ईथर नहीं बताया, ठीक है, तो ईथर हमने हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ईथर क्योंकि एज अ प्रीफिक्स यूज होता है बेटा, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है ईथर, ठीक है। और इसके अलावा आपके बच्चे पॉलीफंक्शनल यानी मिक्स करके क्वेश्चंस हम आपको पढ़ाएंगे, उसी में आपका सल्फोनिक एसिड होगा, उसी रिंग में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसी में आपका ईथर होगा, ये सारी चीजें जब हम मिक्स कराएंगे तब आपका दिमाग और खुलेगा, ठीक है। उसके बाद एक और लेक्चर आपका लगेगा जिसमें हम एमीन पढ़ाएंगे, सॉरी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे, अमीन तो खत्म करा दिया यार, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।